नमस्कार दोस्तों, नौकरी गानी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यूपी पुलिस 2015 के बारे में, उसकी ज्वाइनिंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं आई है और काफ़ी की ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो उसके बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है जैसे आप लोगों की ज्वाइनिंग आ चुकी है, लेकिन हमें पूरी खुशी तो तब होगी जब सभी लोगों की ज्वाइनिंग आ चुकी होगी आज शाम तक। उसके बारे में हम शाम में बात करेंगे कि वीडियो में। तो सब भी बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग के बारे में। जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आ चुकी है और काफ़ी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आ चुकी है लेकिन उन्हें पता नहीं है। जैसे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के, जैसे मैंने कमेंट मांगे थे लास्ट वीडियो में कि आप कमेंट कीजिए किस किस डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग आ चुकी है और किस किस की नहीं आई है, तो उसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कमेंट किया था कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई है। हालांकि उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने कमेंट भी किया है कि हमारी ज्वाइनिंग आ चुकी है। तो मैं बता दूं, जैसे जिन कैंडिडेट्स को पता नहीं, हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में कोशिश की थी सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट थे तो कोई छूट भी गया होगा। तो उसके बारे में आपको बता दूं, जैसे काफ़ी लोगों के इन डिस्ट्रिक्ट के बारे में कमेंट थे कि सर ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन उन डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जैसे कानपुर, संत रविदास, आगरा का जैसे बताया है आज आएगी 10 तारीख को ये ज्वाइनिंग, ये मतलब इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स के पास। अगली बात करते हैं सीतापुर पीएससी, संत कबीर, भदोही, इटावा, बस्ती, गोरखपुर, तो इसमें एक आध डिस्ट्रिक्ट छूट भी गए होंगे क्योंकि सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे, क्योंकि उसके बाद में भी कुछ कमेंट्स आ चुके होंगे। तो इसलिए ये सुबह सुबह वीडियो बनाने का यही मतलब है, क्योंकि लेट वीडियो बनाएंगे तो बस आज का दिन आपके पास फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि फिर आपके पास एंड टाइम पे कॉल आएगा तो आप इधर उधर रहेंगे। और एक बात और, आज जैसे जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं आई वो एसपी ऑफिस में जाके रिपोर्ट कर लें, और एक बार जो एक कमेंट्स है इन्हें चेक कर लें, क्या पता आपकी ज्वाइनिंग आ चुकी हो, आपको आज रिपोर्ट करना हो तो उस हिसाब से आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात हुई कि सब जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आ चुकी है, ठीक है, और जिनकी आ चुकी है जिन्हें पता नहीं उनके बारे में बात हो चुकी है। और एक क्या है, जिन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग आई ही नहीं है, जैसे मतलब काफ़ी, जैसे डिस्ट्रिक्ट थी उसमें, हालांकि मुझे अभी याद नहीं है एक दो, तो उसमें उनकी ज्वाइनिंग आई ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं बता दूं आपको, आज आप वहीं के जो एसपी ऑफिस आपका, वहां जाके आप रिपोर्ट करें कि ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग का हमारा नहीं आया है, क्योंकि जैसे आप अगर चेक करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग नहीं आई, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट्स की नहीं आई तो इसका मतलब ज्वाइनिंग आपकी आई ही नहीं है। तो आप जाके वहीं एसपी ऑफिस में अपनी लिस्ट चेक कर लें। ज्वाइनिंग का मेरा मतलब यह है कि आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, वहाँ जो लिस्ट चिपकाई हुई है, तो जो लिस्ट चस्पा हुई है उसमें आप अपना नाम जाके आज चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक डाउट था जैसे कि पीएससी वालों का था, एक पीएससी की बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी, क्या है उसका, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पीएससी की भी दो जगह की ज्वाइनिंग आ चुकी है, एक तो सीतापुर, एक इटावा। तो आप जैसे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं और उन कैंडिडेट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हालांकि जिन पीएससी की नहीं आई है वो अपनी पीएससी में रिपोर्ट करें, जो भी उनकी है वहाँ पे जाके आप अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे वाराणसी है, जहाँ भी है, तो वहाँ आज आप जाके एसपी ऑफिस में रिपोर्ट करें, क्योंकि आपका आज का टाइम है, आज आपकी लास्ट डेट है, तो आज आपकी ज्वाइनिंग हो, ऐसा नहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी नहीं, ज्वाइनिंग तो करानी पड़ेगी उनको, ठीक है, तो ज्वाइनिंग तो आपकी होगी, इस चीज़ की आप चिंता ना करें, लेकिन आज आप एसपी ऑफिस चले जाएं, ठीक है। और एक बात कर लें, जैसे केस के बारे में कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था कि सर हमारा जैसे केस था पुलिस केस, तो अभी उसका फैसला हो चुका है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लिस्ट में नाम आया है, तो दोस्तों लिस्ट में नाम आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप वहाँ जाके अगर वो जैसे पूछें, क्योंकि अगर केस होता है तो उनके पास रिकॉर्ड हो सकता है, तो अगर पूछें तो आप उन्हें बता सकते हैं कि वो आपके थाने में कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वो केस सोल्व हो चुका है, वहाँ उसके जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो वो कॉपी चेक कर लेंगे आपके थाने में कॉल करके, और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जैसे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि उसके बारे में हम दिन में वीडियो बना देंगे, क्योंकि इतनी जल्दी वीडियो बनाने का मतलब ये था, जैसे काफ़ी कैंडिडेट्स की जैसे ज्वाइनिंग आ चुकी है उन्हें पता नहीं, मतलब उनके डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग आ चुकी है उन्हें पता नहीं है, तो आप चेक कर लें, और जिनकी नहीं आई है वो आज एसपी ऑफिस में रिपोर्ट कर दें। तो इस वीडियो में बस यही बताना था, क्योंकि अभी तक सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, क्योंकि आपके लिए जैसे जिनकी ज्वाइनिंग आ गई उनका तो ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई उनके लिए काफ़ी टेंशन है, तो उनके लिए मैं बता दूं, हालांकि टेंशन तो होती ही है, तो भाई ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं आई है तो आपको टेंशन है, सर काफ़ी लोगों की आ चुकी है, लेकिन आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ज्वाइनिंग आपकी होगी, ठीक है। तो आज आप जो आपका एसपी ऑफिस है वहाँ कॉन्टैक्ट करें। जैसे काफ़ी बच्चों का आया था कि सर वहाँ बता रहे हैं कि कोई सूचना नहीं है, और फिर उसी कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट है कि सर इस डिस्ट्रिक्ट की ज्वाइनिंग आ गई है, आज रात में मेरे पास फ़ोन आया है कि जैसे कल रिपोर्ट करें 10 तारीख को, तो कुछ कैंडिडेट्स को आज रिपोर्ट करनी थी, तो आज जैसे जिनको रिपोर्ट करनी है वो भी जाएं, और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है वो भी जाएं, क्योंकि सभी रिपोर्ट करेंगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि क्या है आपका ज्वाइनिंग का, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था, और आपको जैसे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट्स देख के आपका रिप्लाई करेंगे, और ज़्यादा कमेंट होए तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, आप पहुँच जाएँ और शाम में सभी रिप्लाई करें, जैसे कमेंट हो शाम में एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप सभी लोग बताएं कि आपकी सभी की ज्वाइनिंग आ चुकी है, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।